दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M51, जो कि मैंने 18,500 में लिया है, जो कि काफ़ी बढ़िया डील है इस दिवाली के लिए। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये फ़ोन मैंने सैमसंग ऐप से ऑर्डर किया है, जो आपको 3,000 रुपीज़ डिस्काउंट देगा कौन से भी स्मार्टफोन के ऊपर सैमसंग के। प्लस अगर आपके पास SBI कार्ड है, वो आपको 3,000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। ये ऑफर अभी भी है, आप चाहे तो इस ऑफर को यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐप का लिंक दिया है, आप लिंक में जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए और आपको 6,000 तक ऑफ पड़ेगा सैमसंग गैलेक्सी M51 के ऊपर। तो चलो उनके अनबॉक्सिंग शुरू करें। तो ये है नया सैमसंग गैलेक्सी M51, मुझे ये ई कार्ड से आया है, तो आज ही डिलीवर हुआ है। तो अनबॉक्सिंग काफ़ी आसान होगी। ये आपको एक सैमसंग का पैकेट आएगा, आपको इस बॉक्स में थोड़े ये सीरियस टेक्नोलॉजी के हैं, ये पेपर वर्क है। तो अगर आप देख सकते हो, ये सैमसंग गैलेक्सी M51 लेटेस्ट एडिशन। तो ये है नया सैमसंग गैलेक्सी M51। तो चलो खोले। वैसे दिखने में तो फ़ोन काफ़ी बड़ा है सच में। अगर आप इसे रियलिटी में देखो तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ये मेरे पाम जितना बड़ा है, जो कि पकड़ने में बड़ा अच्छा दिखता है और हैवी भी है। स्टडी बैलेंस करने में भी ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया बैलेंस हो रहा है, मतलब पूरा बॉडी में सभी कंपोनेंट्स एकदम सही जगह है। तो फ़ोन को बाजू रखे और चलो अनबॉक्सिंग करें। ज़्यादा कुछ बॉक्स में नहीं दिया गया है, ये आपको सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि एक 25 वाट सुपर फास्ट चार्जर है, जो नॉर्मल है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और आपको एक पोर्ट टाइप सी चार्जर मिलेगा, जो आपको अगर टाइप सी यूज़ करना हो, अगर आप बाहर हो तो काफ़ी मुश्किल होगी अगर आपके पास दूसरा टाइप सी चार्जिंग ब्रेक नहीं होगा। तो इसमें इतना ही, तो इसे बाजू रखें। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी M51, ये ब्लैक एडिशन है, जो मुझे नहीं लगता कि कोई ब्लैक होगा। काफ़ी अगर आप देखो कलर में तो लाइटिश ब्लू आपको दिखेगा और थोड़े कलर में चेंजेस आएंगे। तो पहला फील करते हैं। तो सॉफ्ट फील आ गया है। अगर ऊपर कॉर्नर पे भी थोड़े पील से इन्हें भी हम निकाल देते हैं। तो ये है नया सैमसंग गैलेक्सी M51, जो कि काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। और अगर कैमरा की बात करो तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलेगा, जो काफ़ी नॉर्मल है इस प्राइस पॉइंट पे। आपको एक 5 मेगापिक्सल डेप्थ मिलेगा, एक 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, एक 12 मेगापिक्सल का वाइड और एक 5 मेगापिक्सल का माइक्रो शूटर मिलेगा इस प्राइस पॉइंट पे, जो नॉर्मल है। चलो अब दूसरे चीज़ों की बात करें। आपको एक फ्रंट कैमरा देखने को मिला, जो कि होल पंच है। ये कैमरा 32 मेगापिक्सल का f/2.2 एपर्चर कैमरा है। आपको एक सिंगल स्पीकर बॉटम में मिलेगा, एक USB टाइप सी, और साथ में आपको एक हेडफोन जैक मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। कई स्मार्टफोन इसे निकाल रहे थे, पर सैमसंग ने इसे रखे बहुत बढ़िया काम किया है। और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में मिलेगा, जो कि पावर बटन के साथ है, जो काफ़ी बढ़िया है अगर आप फील करो। और साथ में आपको साइड में सिम इंजेक्शन टू और सिम ट्रे मिलेगा। तो चलो अब इसे बूट अप कर लेते हैं और देखें। यह है सैमसंग गैलेक्सी M51 पावर्ड बाई नॉक्स। तो हमारा सेटअप अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आप डिस्प्ले की बात करो तो आपको मैं फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये AMOLED प्लस डिस्प्ले है, यानी नॉर्मल AMOLED से कई बढ़िया। ये आपको 1080x2400 का रेजोल्यूशन डिस्प्ले है, जो कि 6.7 इंच तक है अगर फुल रेक्टेंगल, और 6.6 अगर राउंडेड कॉर्नर्स के साथ देखें तो। और ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया है,
काफ़ी लाइट निकल रही है। मैं एक फुल लाइट बल्ब के सामने हूँ, फिर भी मुझे ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। अगर आप ऐप्स की बात करो तो ये ब्लूटूथ के साथ आता है, जो कि कुछ ब्लूटूथ को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। मैंने ट्राई किया नेटफ्लिक्स को अनइंस्टॉल करने का, पर मुझे अनइंस्टॉल ऑप्शन नहीं दिखा। मैंने प्ले स्टोर से भी ट्राई किया, पर आपको डिसेबल ऑप्शन दिखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी वियर्ड बात है। सैमसंग उनके फ़ोन्स में अनइंस्टॉल का ऑप्शन देना चाहिए, पर शायद सैमसंग ने इन ऐप्स कंपनियों के साथ टाई अप किया होगा। जैसे कई ब्लूटूथ भी है, कई है, पर आप इन्हें कुछ को अनइंस्टॉल कर सकते हो, कुछ को नहीं। तो चलो अब कैमरा की बात करें। जो अब कैमरा हम टेस्ट करेंगे, जो कि 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, हमें इससे एक्चुअल में टेस्ट करना है, जो कि काफ़ी हाइप हुआ था रिसेंट मंथ्स में। तो कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। तो अगर आप ऊपर देखो, ये नॉर्मल 64 शॉट है, और बॉटम पे एक वाइड एंगल शॉट, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो अब वीडियो सेटिंग्स की बात करें, तो आपको वीडियो में भी फ्रंट कैमरा पे आपको फुल एचडी मिलेगा, अल्ट्रा एचडी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि एक नॉर्मल 32 मेगापिक्सल का सिंपल कैमरा है, और इसमें आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आपको बैक कैमरा में आपको फुल अल्ट्रा एचडी 3080x2140 को रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि 4K रेजोल्यूशन पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। 3840x2160 अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन प्लस आपको पिक्चर इन एज प्रीव्यूड मोड मिलेगा, और कई ऑप्शन देखने मिलेंगे। अगर आप मोड में जाओगे तो आपको स्लो मोशन, बुके मोड प्लस प्रो फोटोग्राफी और नाइट मोड भी देखने मिलेगा। आपको एक नाइट फोट की एक फ़ोटो खींचा के दिखाता हूँ। अगर आप देखो, और नीचे जर्रा भी लाइट नहीं है, तो मैं आपको एक दो फ़ोटो लेके यहाँ नाइट मोड में कैसा काम करेगा इसके कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो नाइट मोड में भी काफ़ी बढ़िया फ़ोटो ले रहा है ये स्मार्टफोन। नीचे जर्रा भी लाइट नहीं है, अगर आपने देखा होगा तो ये नाइट मोड में काफ़ी डिटेलिंग रख रहा है। थोड़ा ब्लर हो रहा है, पर नाइट में ये फ़ोटोज़ काफ़ी बढ़िया दिख रही है इस प्राइस पॉइंट पे। तो चलो अब स्पेक्स की बात करें। ये आपको स्नैपड्रैगन 730G मिलेगा प्लस आर्ड्रीनो 618 GPU के साथ, जो गेमिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। आपको ड्यूल सिम प्लस एंड डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट मिलेगा। आपको 6GB रैम 128GB वेरिएंट और 8GB रैम 128GB वेरिएंट, और स्टोरेज अप टू 512GB एक्सपेंडेबल आप मेमोरी कार्ड के साथ कर सकते हैं। इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि LDDR4 रैम है। साथ में इसमें आपको 2.2GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ 8 नैनोमीटर की पावर एफिशिएंट चिप है, जो कि काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और अगर आप फेस अनलॉक की बात करो, फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करो, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। इसमें एंड्रॉयड 10 है, और इसमें दो कलर वेरिएंट हैं, एक है क्रिस्टल ब्लैक और एक इलेक्ट्रिक ब्लू। इसमें बिल्ट इन डॉल्बी सपोर्ट, म्यूजिक शेयर और हाई डेफिनेशन अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स आप फुल एचडी प्लस पे भी स्ट्रीम कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।